नमस्कार भक्तों, कांवड़ यात्रा 2022 की बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज है, श्रावणी मेले 2022 में नेपाल, भूटान, म्यांमार, जापान के शिव भक्त आएंगे भारत में। बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर तक करेंगे पैदल यात्रा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है। इनके लिए क्या नियम बने हैं, सरकार ने कांवड़ यात्रा कराने को लेकर क्या फैसला लिया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कांवड़ यात्रा 2022 की पल पल की खबर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। अगर आप सिख के भक्त हैं तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी सिख भक्तों को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको देते हैं पूरी जानकारी। श्रावणी मेला 2022 को लेकर कोरोना त्रासदी के से उबरने के बाद एक बार फिर ऐतिहासिक श्रावणी मेले में नेपाल, भूटान, म्यांमार, जापान आदि देशों के श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गंगा घाट पर दिखेंगे। विदेशी श्रद्धालु की गंगन भेदी आवाज दो साल बाद एक बार फिर सावन माह में गूंजेगी। बाबा के धाम में विदेशी कांवड़ियों से नाता रखने वाले कांवड़ दुकानदार रघुवीर को इस बार भूटान में आवाज जापान और नेपाली श्रद्धालुओं ने फोन कर अपनी टोली के आगमन की अग्रसी सूचना दी है। ऐसे श्रद्धालु के जत्थे में वीर बहादुर आपा शेर रक्षण थमथाप मोग आंग समेत दो दर्जन से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं, जिनके आगमन ठहराव आदि को लेकर रघुवीर और उनके सहयोगी अभी से इंतजार करने लगे हैं। कोरोना त्रासदी के कारण दो साल से कांवड़िए पथ पर छाई वीरानी इस बार खत्म होने वाली है, इसे लेकर दुकानदारों में खासा उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक तैयारी भी अभी से आरंभ हो गई है, 14 जुलाई के पूर्व सभी तैयारी पूरी करनी है। जिलाधिकारी सबोत्र कुमार सेन, SSP बाबूराम, CTSP स्वर्ण प्रवास, DSP विधि व्यवस्था अटक गौरव कुमार ऐसे लेकर दौरा कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। विदेशी श्रद्धालु की सुरक्षा कारणों के खास ख्याल रखा जाता है। इसके आगमन को लेकर जहां विशेष खासे से अधिकारियों की टीमें सादे बिलाद लिबास में नजर रखती हैं, वहीं स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा निगरानी बढ़ा देती है। कांवड़िए पथ पर किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य सुरक्षा समेत अन्य किसी किस्म की असुविधा कांवड़िए पथ पर ना हो, इसका प्रशासनिक स्तर पर ख्याल रखा जाता है। तो भक्तों, कांवड़ यात्रा 2022 कराने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस साल पूरे भय तरीके से होने वाली है कांवड़ यात्रा 2022। और दोस्तों, अगर आपको कांवड़ यात्रा 2022 की पल पल की खबर रखनी है तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपको इस चैनल के माध्यम से पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। क्या होने वाला है, क्या होगा, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप शिव के भक्त हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।